S.Chan presents educational video lectures as per the UGC curriculum. Absolutely free. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. Hello everyone. So let's start uh, uh, to understand in this lecture rings of Zn in integers modulo n and rings from number system. अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया कि रिंग्स होती क्या हैं और एग्जाम्पल्स किए कम्पिटेटिव रिंग्स किया नॉन कॉम्पिटेटिव रिंग्स अब थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेंगे और वो बहुत ही अलग सेट है कैसे वो रिंग फॉर्म करता है नंबर सिस्टम आप बहुत बहुत छोटी क्लासेस से कर रहे हो अब उस सिस्टम में यू विल सी कि वो कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो एक रिंग फॉर्म करता है वेलकम टू एस चांद अकेडमी आई एम डॉक्टर सीमा ठाकरा एन इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी रिंग ऑफ रिंग फ्रॉम नंबर सिस्टम एंड जेड एन द रिंग ऑफ इंटीजर्स टीजर्स मॉडलो एन इन डिटेल प्लीज रेफर टू द बुक बाय विकास पब्लिकेशन द ई बुक लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सो चलिए शुरू करते हैं कि नंबर सिस्टम से जो कि आप बहुत छोटी क्लासेस से कर रहे हो नंबर सिस्टम से कैसे कैसे रिंग बनी है उनका क्या क्या कनेक्शन है ऑब्वियसली uh, रिंग बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है लेकिन फाइनाइट भी हो सकती है इनफाइनाइट भी हो सकती है कैसे एंड uh, उसको समझते हैं कि कैसे होता है सो so, uh, शुरू करते हैं रिंग्स नंबर सिस्टम से रिंग्स फ्रॉम नंबर सिस्टम आप सबसे पहले आपने नंबर सिस्टम में बेसिक कौन कौन से सेट किए हैं सेट ऑफ इंटीजर्स सबसे बेसिक वैसे नेचुरल नंबर से शुरू करना चाहिए एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन होल नंबर्स का भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास होल नंबर्स क्या डिफरेंस होता है सिर्फ कि इसमें आपका जो सेट है वो वन से शुरू होता है एंड होल नंबर्स में जस्ट वन एडिशन ऑफ जीरो ओनली ओनली सेम सेट होते हैं डिफरेंस उसमें जीरो होता है देन री आपका इेशनल दैट इज पी बाय क्यू फॉर्म क्यू नॉन जीरो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स क्यू नॉन जीरो पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड द सेट ऑफ इंटीजियर्स ऊपर मैंशन किया हुआ है देन Z, N, Q द सेट ऑफ रियल नंबर्स बहुत डीप में अगर जानना है तो आप सेट थीरी के जो हमने लेक्चर्स लिए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो अगर आपको बहुत डीप में यू वांट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सेट अब अगर सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स आपका दिस इज द सेट अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में ये शो किया था कि ये वाला जो नंबर सिस्टम है ना जो सेट ऑफ इंटीजर्स वाला ये आपका रिंग फॉलो करता है विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती इट इज रिंग एंड कॉम्पिटेटिव भी है ये देयर इज़ नो इशू कि कॉम्पिटेटिविटी भी होल्ड करती है नेचुरल नंबर में अगर आप देखो नेचुरल <coughs> नंबर में अगर जो मतलब अगर आप प्लस प्रॉपर्टी और प्लस के रिस्पेक्ट में अगर आप देखना शुरू करो क्या प्रॉब्लम आती है देखने में बड़ा इजी लगता है प्लस भी प्लस uh, भी आ रहा है वन प्लस टू थ्री टू प्लस थ्री प्लस टू फाइव सारे प्लस बिलोंग कर रहा है क्लोजर होल्ड कर रही है लेकिन ओनली जो प्रॉब्लम है यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना एडिटिव आइडेंटिटी मेनली पहले आइडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि इसमें आइडेंटिटी होल्ड कर रही है और प्लस के रिस्पेक्ट में तो वैसे ही सारी चीज़ें सारा होल्ड कर जा ऐसा नहीं होता है तो आइडिटिव आइडेंटिटी जो है वो होल्ड नहीं कर रही इवन जो टू का इन्वर्स है माइनस टू वो भी इस सेट में नहीं है तो दिस सेट इज नॉट अ रिंग तो हमने जितने अभी एग्जाम्पल किए थे वो रिंग के किए थे दिस इज नॉट अ रिंग ये इट इज़ नॉट अ रिंग अगर अब आप देखो होल नंबर्स में एनी हाउ एडिशन ऑफ आइडेंटिटी हो गया एडिटिव आइडेंटिटी लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आएगी जब आप टू का इन्वर्स लोगे दैट इज माइनस टू वन का इन्वर्स माइनस वन एक ओनली एलिमेंट है जीरो जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसके अलावा किसी का भी एलिमेंट इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा दिस इज ऑल्सो नॉट ए रिंग क्यू इज अ रिंग और ये इसमें आपकी जो आइडेंटिटी है एडिटिव आइडेंटिटी क्या है द एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो एडिटिव आइडेंटिटी इज ज़ीरो and multiplicative uh, is मल्टीप्लीकेटिवन एनी हाउ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को हम बॉर्डर भी नहीं करते जब हम रिंग चेक कर रहे हैं हम सिर्फ प्लस के रिस्पेक्ट में भी चेक की वो चार प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाएं एंड क्लोजर एंड एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेश मल्टीप्लीकेटिव सो यहाँ पे एनी हाउ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी होल्ड कर रही है और इसका क्या मीनिंग है वो भी अभी एक्सप्लेन करती हूँ रियल नंबर एक ऐसा सेट है अगर आप रियल नंबर्स की थियरी और सेट थियरी अगर आप रिकॉल करो जो हमने की थी रियल नंबर एक ऐसा सेट है जो फील्ड भी है देन हमने ग्रुप में भी देखा कि अगर आप प्लस लो डॉट लो वो फिर भी दोनों के रिस्पेक्ट में इट वाज ग्रुप आर प्लस बी ग्रुप था और आर डॉट बी ग्रुप था दैट इज दी एक्सेप्शनल इसीलिए इसको हमने कंप्लीट सेट बोला था ओनली सेट जिसको हमने कंप्लीट बोला था सेट वी सेट वी सेट की कंप्लीट है तो आर प्लस यहाँ पे रिंग भी है जब वो ये प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है anyhow, is so, आर प्लस रिंग। अब इस और क्या क्या खास है यहां से कुछ अलग थेरी स्टार्ट होती है क्या क्या खास है let's सी आर के अंदर वी हैव हाँ, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इसको मल्टीप्लीकेटिव यूनिटी भी बोलते हैं यूनिट यूनिट एंड दैट इज वन देन इसके अंदर जो एक और खास बात है दैट इज कि एवरी एलिमेंट हर एलिमेंट आर के अंदर हैज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अभी तक नहीं था किसी भी जो आपने ऊपर डिस्कशन किए हैं मल्टीप्लीकेटिव इन वर्स एनी हाउ क्यू के अंदर वो प्रॉपर्टी थी बट आर इज द कम्प्लीट सेट क्यू फिर भी कम्प्लीट नहीं है क्यू में कुछ प्रॉपर्टीज फिर भी आपकी सेटिस्फाई नहीं होती हैं रेफर टू और प्रीवियस लेक्चर्स जहाँ पे आपने सेट थेरी की है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आर क्यू में नहीं है और आर में है आर क्यू कम्प्लीट सेट है तो आर यहाँ पे आइडेंटिटी हुआ आर के अंदर मल्टीप्लीकेटिव इन वर्स होल्ड कर रहा है और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इतनी खास बनाती हैं इसको कि ये बेसिकली इसको हम फील्ड भी बोलते हैं यानी एक माई पॉइंट इज कहां पे मैं मतलब वेर आई एम अप्रोचिंग राइट नाउ कि एक रिंग अगर है आपके पास आर इज अ रिंग उस रिंग के अंदर यूनिटी भी है एंड यूनिटी की बात करूंगी तो एडिटिव ऑलरेडी होल्ड करती है यूनिटी बोलने का मतलब है कि मल्टीप्लीकेटिव यूनिटी ठीक है कोई भी एडिशन uh, के रिस्पेक्ट में नहीं बात हो रही है अब ये मल्टीप्लीकेशन uh, के रिस्पेक्ट में हो रही है एंड इन वर्ड्स भी होल्ड कर रहा है इन वर्ड्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट ये फील्ड है यानी अगर रिंग में सिर्फ दो और प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए तो वो फील्ड बन जाता है क्योंकि फील्ड के अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी था दैट वॉज ऑल्सो लाइक वो रिंग को आप फील्ड से कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि ओनली टू प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेक करनी है और आर के अकॉर्डिंग यू कैन सी कि इजीली वी कैन दो टू प्रॉपर्टीज आर होल्डिंग सो आर को आप बोल सकते हो कि ये फील्ड है एनी हाउ इसको हम स्क्यू फील्ड भी बोलते हैं और ऐसी रिंग्स को हम डिवीजन रिंग्स भी बोलते हैं अगर जिसके अंदर यूनिटी एंड इनवर्स एग्जिस्ट करे सो वी से आर इज अ डिवीजन रिंग सो ये बेसिकली हमने एग्जाम्पल्स किए जहां पे नंबर सिस्टम से आप देख रहे हो कि कौन सा नंबर सिस्टम रिंग है नहीं है उसके अंदर आइडेंटिटी uh, देन उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो सारा आपने चेक किया सो दीज आर दी बेसिक एग्जाम्पल्स क्योंकि यही हमारे स्टैंडर्ड सेट्स हैं नंबर सिस्टम में अब मैं ब्रेक के बाद आई स्टार्ट जेड एन जेड एन की भी जेड एन भी बेसिकली अब जेड एन लिख रहे हैं हम लोग एन स्टैंड्स फॉर वर्ड जेड स्टैंड जेड बेसिकली स्टैंड फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स जो हम बार बार नोटेशन यूज़ कर रहे हैं एन इज जस्टुरल नंबर अब जेड एन का मीनिंग है कि वो आप उसमें उस ऑपरेशन जो लोग ना वो ऐसा लोगे विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड टू डॉट जहां पर आप प्लस करोगे फिर डिवाइड करोगे और रिमाइंडर से बेसिकली इसमें कंसर्न होता है सो so ब्रेक के बाद देखते हैं कि ये सेट कैसा है ग्रुप थियरी में हमने अलग अलग देखा था यहाँ पे इकट्ठा विल कम्बाइन एंड विल सी की वो बेसिकली कैसा सा सेट है हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अशांत एकेडमी आई एम आदित्य आई विल बी टीचिंग यू बॉटनी फॉर ऑल द फोर सेमेस्टर्स ऑफ योर बैचलर्स करिकुलम आप जानते होंगे कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा एरिया एग्रीकल्चरल एरिया है और हमारे कंट्री में लगातार ऐसे रिसर्चर्स ऐसे ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स की ज़रूरत होती है जो प्लांट्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हों और उसी की वजह से आपके बैचलर्स और मास्टर्स करिकुलम में कई बार बॉटनी एक सब्जेक्ट की तरह होता है तो बैचलर्स के इसी कोर्स को पढ़ने के लिए हमने ये वीडियोस प्रिपेयर किए हैं एंड एस चांद एकेडमी विल बी ब्रिंगिंग दिस थ्रू देयर चैनल इन वीडियोस में हम चारों सेमेस्टर्स के अलग अलग करिकुलम को कवर करेंगे जिसमें पहले सेमेस्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अर्ली प्लांट्स के बारे में जैसे कि अलगी और फंजाई के बारे में होगा दूसरे सेमेस्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इकोलॉजी प्लांट की इकोलॉजी पर्टिकुलरली और प्लांट की टेक्सोनोमी तीसरे सेमेस्टर में प्लांट की फिजियोलॉजी की बात की जाएगी और चौथे सेमेस्टर में प्लांट बायोकेमिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन होगा दिस वीडियोस आर गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग इसमें बहुत सारे इनपुट्स बहुत सारे इलस्ट्रेशन और एशान पब्लिशिंग की जो अपनी बुक्स हैं उनकी तरफ से दिए गए कंटेंट को एक्सप्लेन किया जाएगा आई होप यू विल इन्जॉय देम सी यू देयर वेरी सोन वेलकम बैक टू इस चांद अकेडमी सो बिफोर गोइंग टू द ब्रेक वी डिड कि आपका जो नंबर सिस्टम है उसमें से आ, कौन सा नंबर सिस्टम रिंग है नहीं है कौन सा कॉम्पिटेटिव है किस में यूनिटी है किसमें इनवर्स है किसमें एडिशनल मतलब प्रॉपर्टीज हैं और वो एडिशनल प्रॉपर्टीज से आपकी जो रिंग है वो फील्ड बन जाती है आप करते हैं जेड इन और जेड इन में भी काफ़ी कुछ खास है ग्रुप थियरी में किया था लेकिन यहाँ पे टोटली थोड़ा सा बिल्कुल लिंक अलग होगा तो so, जेड में यहाँ पे आप आप दोनों को कंबाइन करके लेके चलोगे और दिस इज बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब ये आएगा बेसिकली इंटीजर्स ही सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n इसको बोलते हैं इसको पर्टिकुलरली अब मैं पहले छोटे सेट से इसमें इसमें आप करोगे क्या ऑपरेशंस कैसे लगेंगे पहले वो सीख लेते हैं इसमें आप कैसे करोगे कि आप जो भी दो एलिमेंट को जब ऐड कर रहे हो तो आप इट्स नॉट की उनका एडिशन लोगे आप उन्हें ऐड करोगे और उस एडिशन को किससे डिवाइड करोगे एन से डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर आएगा ना दैट इज इस आर इसको हम कंसिडर करते हैं यानी आप दो एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हो, एनी हाउ वो अगर लेस देन एन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यू कैन राइट डायरेक्टली बट सपोज ये वाला एन से ज्यादा है तो आप रिमाइंडर कंसिडर करते हो दिस इज हाउ यू राइट द द एलिमेंट्स ऑफ़ ऑफ़ दिस सेट डॉट में क्या है सेम वे आप मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके अगर वो लेस देन एन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको भी पता है जब लेस देन एन होगा तो कोई डिवीज़न में कोई रिमाइंडर का कोई पॉइंट नहीं है सेम ही आएगा वो रिमाइंडर लेकिन मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड uh, करना है अगर ज़्यादा है फिर उस उस रिमाइंडर को कंसिडर करना है तो यू कैन सी हाउ दिस रिमाइंडर इज इम्पॉर्टेंट मतलब रिमाइंडर से सेट बनाया है और वो रिमाइंडर के रिमाइंडर के बाद जो सेट बनता है वो कैसी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है कैसे, कैसी कैसी प्रॉपर्टीज मतलब कैसे रिंग बनेगा या ग्रुप बना था लेट्स अंडरस्टैंड नाउ सो ये प्लस एंड डॉट यू अंडरस्टूड कि कैसे लगाने हैं टेन इज अ नेचुरल नंबर ओके आई जस्ट डिस्कस की सबसे छोटा रिंग सेट कौन सा है मैंने ग्रुप थेरी में आपको बताया था इफ़ यू रिमेंबर कि सबसे छोटा सेट प्लस के रिस्पेक्ट में जीरो एंड सबसे छोटा सेट मल्टीप्लीकेशन uh, uh, के रिस्पेक्ट में सेट का मतलब है नॉन एम सेट जो सबसे छोटा जो ग्रुप फॉर्म करता है ये हमने किया था विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट अब रिंग में अगर बात करें तो रिंग में सबसे छोटी रिंग सिर्फ जीरो जो है ना वो लेती है ये ये दिस इज अ रिंग और प्लस एंड डॉट अंडरस्टूड है इसके अंदर बिकॉज जीरो इंटू जीरो करोगे जीरो ही आएगा तीन बार कर लो चार बार जीरो ही आना है दिस इज द स्मॉलेस्ट रेंग इन कंटेक्सट ऑफ एक ही है क्योंकि वन नहीं ले सकते आप इसमें स्पेशली सो नाउ स्टार्ट जेड एन अब पहले लेती हूँ मैं जेड टू Z2 में एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे आ, आते हैं पहले आई आई थिंक आई शुड राइट द सेट फर्स्ट आई जस्ट डिफाइंड कॉम्पोजिशंस ओनली सेट दिखता कैसा है तो so, ये कुछ ऐसा ऐसा दिखता है इसमें n है अगर यहाँ पे 2 है तो 2 वाइनस वन यानी 1 तक एलिमेंट्स आते हैं और ऑपरेशन यू गॉट टू नो कि वो मॉडुलो n ऑपरेशन लगेगा विच आई हैव डिस्क्राइब्ड सो Z2 में कहाँ तक एलिमेंट आएंगे जीरो वन तक एलिमेंट्स आएंगे और अब जैसे मैंने ग्रुप थियरी में किया था ना आई मेड द टेबल टेबल से बहुत ईजी हो जाती हैं चीज़ें समझना सो so, प्लस के रिस्पेक्ट में क्या करना है आपको देखो दो ही एलिमेंट है ईजिली वी कैन अंडरस्टैंड प्लस करना है और अगर वो टू से टू या टू से अबव रिमाइंडर कंसिडर करता है अदरवाइज रिमाइंडर विल बी द सेम सो ज़ीरो प्लस ज़ीरो जीरो वन प्लस जीरो बा वन वन प्लस जीरो वन वन प्लस वन टू इट मीन्स अब आप डिवाइड करके रिमाइंडर कंसिडर करोगे मैंने आपको बोला था कि अगर एलिमेंट्स बिल्कुल अलग आए रो वाइज कॉलम वाइज सिर्फ इतना पोर्शन देखोगे आप दिस पोर्शन अलग आ रहे हैं ना रो में देखो आप कॉलम में देखो जीरो वन ही रिपीट हो रहे हैं अगर ऐसा ऐसा हो तो आई जस्ट टोल्ड यू कि हंड्रेड एंड वन परसेंट क्लोजर होल्ड करेगी एसोसिएटिव होल्ड करेगी एडिटिव आइडेंटिटी आपको दिख ही रही है जीरो ही होती है यूनिक है जीरो और उसके रिस्पेक्ट में जीरो के रिस्पेक्ट में आपका इन्वर्स जो है वो भी होल्ड कर रहा है इन्वर्स यानी यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है कैन आई टेल यू नाउ कि जीरो का इन्वर्स क्या है ऑब्वियसली ज़ीरो है क्योंकि जीरो प्लस जीरो ही आ रहा है वन का इन्वर्स बेसिकली वन है क्योंकि जब आप वन को वन में ऐड कर रहे हो ना तो जीरो आया यहाँ से भी पता चल जाता है टेबल से दिस यू कैन लिंक एडिटिव आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि वन का इन्वर्स क्या है वन का इन्वर्स वन है यानी इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे देखो वन का इन्वर्स माइनस वन नहीं है इफ़ यू नोटिस नंबर सिस्टम में जब इंटीजर्स की बात कर रहे थे तो वन का इन्वर्स क्या था माइनस वन टू का माइनस टू लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बिकॉज यहाँ पे ना सेट को डिफाइन कॉम्पोजिशन को डिफाइन ही कुछ ऐसे किया है कि सम करना है एंड देन रिमाइंडर लेना है तो यानी आपको वन के साथ उस नंबर को कंबाइन करना है जब उसका सम आप लो तो रिमेंडर ज़ीरो आ जाए तो वन के साथ किसको कंबाइन करोगे ऑब्वियसली वन को कंबाइन करोगे एनी हाउ दिस इज नॉट दी ओनली इनवर्स वन का अगर आप वन प्लस थ्री भी करोगे ना तो भी ज़ीरो आएगा यानी वन का इनवर्स जो है अब आप बोलो तो माइनस थ्री ऐसे बड़े सारे हैं बट वो एनी हाउ इक्वी होते हैं इसीलिए सेट स्क्वीज हो जाता है देन डॉट पे आते हैं और डॉट में ऑब्वियसली डॉट में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जीरो जीरो और वन इंटू वन वन यानी मैंने सिर्फ कुछ नहीं चेक किया यहां पे आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग एंड रिमाइंडर ले रही अब आप देखो एनी हाउ फर्स्ट रो में जीरो जीरो है देन जीरो वन है लेकिन एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं सिर्फ क्लोजर देखनी है नथिंग एल्स सो इट जस्ट क्लोजर एंड एसोसिएटिव और आपको क्लियरली दिख रही है कि जीरो uh, वन ही आए ना जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तीन ले लो चार ले लो इट हार्डली मैटर्स मैं यहाँ पे ये नहीं चेक कर रही हूँ कि वो मल्टीप्लीकेटिव uh, आइडेंटिटी आ रही है या नहीं आ रही है या इनवर्स आ रहा है नहीं आ रहा है बिकॉज डॉट के रिस्पेक्ट में आई एम जस्ट चेकिंग कि सिर्फ दो प्रॉपर्टीज क्लोजर एंड एसोसिएटिव मैंने ग्रुप थी प्लस uh, के रिस्पेक्ट में बिकॉज ये डिफरेंट था तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये जेड uh, मतलब ये वाला जो आपका सेट है ना जेड टू प्लस डॉट दिस ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा लेकिन जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो आई एम जस्ट टेकिंग टू प्रॉपर्टीज और वहां पे एनी हाउ डिफरेंट आना चाहिए बट इट हार्डली मैटर्स इज विद स्पेशली डॉट के रिस्पेक्ट में सो so, प्रॉपर्टीज हो गई एसोसिएटिव छ की छ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑटोमेटिकली जब आपकी ये प्लस और कंबाइन करोगे वो करेगा तो छ की प्रॉपर्टीज मैंने आपको दिखाई तो Z2 टू इज अ रेंग तो Z2 टू विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन इज अ रेंग Anyhow, सबसे छोटी रिंग में सिर्फ जीरो था अब मैं आती हूं जेड थ्री पे Z3 थ्री कहा तक होगा जीरो वन टू तक और ऑपरेशन इस बारी इस बारी थ्री के रिस्पेक्ट में लेना है आपको बिकॉज जेड एन जो है वो एन एस थ्री टेबल बनाते हैं टेबल के अकॉर्डिंग सी की डिफरेंस क्या है और प्लीज़ इनको थोड़ा सा अच्छे से करना बिकॉज जब मैं लेटर लेक्चर्स लूँगी उसमें मैं ये एग्जाम्पल्स कनेक्ट करूँगी क्योंकि इट्स नॉट कि आप यहाँ पे इस इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फर्स्ट जस्ट ओनली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर केयरफुली क्योंकि जब uh, थोड़े से आगे वाले लेक्चर्स में यही ये एग्जाम्पल्स uh, बहुत स्ट्रांग हैं टू कनेक्ट वन ऑफ द मतलब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट रिंग थेरी के जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ैम्पल्स बड़े फिट बैठते हैं उसमें टू अंडरस्टैंड सो प्लस एंड थ्री कितने उतनी ही मैंने रोज और कॉलम सो बनाएस टू टू विच इज ऑब्वियसली रिमाइंडर इतना ही आएगा वन प्लस टू इज थ्री आप डिवाइड करोगे तो जीरो रिमाइंडर टू प्लस जीरो टू प्लस वन थ्री डिवाइड करके राइट करोगे जीरो टू प्लस टू इज फोर को डिवाइड करोगे वन तो क्या पता चल रहा है यहां से कि सारी और कॉलम डिफरेंट हैं। एंड डिफरेंट होने के डिफरेंट है इसीलिए आप बोल सकते हो कि क्लियरली ये तो कंप्लीटली आपका ग्रुप बोलो या इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द प्रॉपर्टीज आई कैन से ग्रुप शॉर्ट में वी ग्रो राइट ग्रुप आल्सो इसके रिस्पेक्ट में अब लेते हैं डॉट के रिस्पेक्ट में डॉट में सिर्फ ये चेक करना है कि मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो वन टू ही आने चाहिए उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए एंड ऑब्वियसली आफ्टर कंसिडरिंग द रिमाइंडर सो मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऑब्वियसली जीरो से मल्टीप्लाई करूंगी तो पहली रो तो जीरो जीरो ही बनेगी देन वन इंटू वन 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 इंट टू 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 जीरो टू वन जो टू 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 जो फोर एंड ऑब्वियसली फोर थ्री से बिग है तो आप डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आएगा वन आप चेक कर लो जो कॉलम में बेशक अलग अलग नहीं आए जो हमारा प्लस में जो मैं चेक करती हूँ बिकॉज प्लस के रिस्पेक्ट में इट शुड बी अ ग्रुप बट डॉट के रिस्पेक्ट में देयर इज नो कंडीशन की वो ग्रुप हो बट एलिमेंट सेट के आ जाने चाहिए एंड ऑल द एलिमेंट्स आर फ्रॉम द सेट इज सेटिस्फाइंग इज सेटिस्फाइंग क्लोजर एंड फोर जेड थ्री प्लस एंड इज अग तो जेड टू भी रिंग है जेड थ्री भी रिंग है अब ऐसे नहीं होता है कि जेड फोर भी रिंग होगा इट इज नॉट अ रेंग में फटाफट सिर्फ जेड फोर का टेबल बना देती हूँ देन एलकम टू अच्छा दिस थिंग आई विल नॉट बी कंबाइनिंग ये जो फैक्ट है ये क्यों है जीरो वन टू थ्री क्विकली जस्ट कंबाइन वन टू थ्री सो ऐड कर रही हूँ एंड आई एम अगर वो सम uh, uh, जो है फोर ले रहे हैं फोर से ज़्यादा या फोर है तो रिमेंडर कंसिडर करेंगे सो जीरो प्लस जीरो जीरो वन टू थ्री देन वन टू थ्री आप वन प्लस वन टू नो इशूज वन प्लस दिस थ्री वन प्लस फोर वन प्लस थ्री फोर रिमाइंडर लेंगे जीरो देन टू प्लस वन थ्री टू प्लस टू फोर अगेन जब आप रिमाइंडर लोगे इट विल गिव यू जीरो टू प्लस थ्री फाइव फाइव एंड रिमाइंडर लोगे वन देन थ्री प्लस जीरो थ्री प्लस वन फोर अगेन रिमाइंडर जीरो थ्री प्लस वन एंड थ्री प्लस थ्री सिक्स और रिमाइंडर लोगे तो टू डॉट पे आ जाते हैं फोर जीरो वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री सो मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट रो जीरो 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 दैन जीरो 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 दैन वन मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग टू थ्री दैन टू फोर सो जीरो एंड सिक्स मल्टीप्लीकेशन के बाद सो टू देन थ्री जीरो सो थ्री एंड थ्री सिक्स टू नाइन और डिवाइड करोगे तो एट एंड वन। अब आप देख लो टेबल यहाँ पे देखो जीरो वन वन टू टू थ्री थ्री जीरो जीरो कोई सब अगेन जो है यानी यहाँ से आप ये देख लो जेड फोर प्लस फोर इज अ ग्रुप एंड ये वाले एलिमेंट्स भी जो है हर बार आ रहे हैं जब आप ग्रुप थेरी कर रहे थे तो कोई ये जो ये वाला जो पर्टिकुलरली सेट है ना ये ग्रुप नहीं आ रहा था लेकिन आप रिंग में आप कनेक्ट करना वहां पे भी मैंने जनरलाइज किया था एन इज रिंग यानी ये जितने भी जेड एनस है ना आप आप इनको ब्लाइंडली या मतलब कैसे भी अगर आपको रिंग का एग्जाम्पल ढूंढना है जेड सेवन जेड एट लेकिन ग्रुप थ्योरी में अगर आओगे तो वहां पे मैंने स्टेट किया था कि जब प्राइम होगा ना डॉट के रिस्पेक्ट में प्लस में वहां पे भी कंप्लीट था लेकिन डॉट के रिस्पेक्ट में जब प्राइम होगा तो वो ग्रुप होगा अदरवाइज नहीं होगा लेकिन रिंग में देखो आप ओवर ऑल एन इट इज अ रिंग सो दिस इज एन द रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो एन

Don't forget to share like and subscribe as Chand Academy. Don't forget to press the bell icon for the future updates. Stay connected, stay tuned. Thank you. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.